क्या आपके पास भी आईफोन है? अगर नहीं गजब बेइज्जती है। अगर है तो आपको ये दिक्कत जरूर आई होगी, अगर नहीं है, अगर लेना चाहते हैं तो आपको ये दिक्कत या प्रॉब्लम जरूर आने वाली है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन का जो डेटा है जिसकी फाइल्स की लेंथ काफ़ी लंबी होती है, साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, 1 GB 2 GB का डेटा होता है और उससे भी कभी कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे आईफोन टू एंड्रॉयड? तो चलिए आज की वीडियो हम जानते हैं कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आएंगे हम ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में आने के बाद यहाँ हम सर्च करेंगे जैपिया ऐप, टाइप करेंगे जैपिया, हमारा आइकन आ गया है, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा डाउनलोड हो रहा है। ओपन करेंगे, अब इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ कुछ परमिशन मांगेगा, हम अलाउ करेंगे सारी परमिशनों को एक एक करके। यहाँ हमने अब इसे सारी परमिशन दे दी है। परमिशन देने के बाद हम अपना एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में सेम प्रोसेस है, दोनों में सेम ऐप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमसे परमिशन मांगेगा, अलाउ करेंगे। अब यहाँ हम रिसीव पर क्लिक करेंगे। जैपे स्टोर में वो जैपे ऐप में आए, यहाँ हम रिसीव पर टच करेंगे। टच करने के बाद हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, ग्रैंट करेंगे वो परमिशन। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा QR कोड जनरेट होगा, उसे स्कैन करेंगे आईफोन से। स्कैन करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएंगे दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो रहा है अभी। जैसे ही कनेक्ट होगा हमारे डिवाइस का नेम आ जाएगा ऊपर। आने के बाद कोई भी फाइल अब हम आसानी से सेंड कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी हो, चाहे वीडियो, डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो। देखो फ्रेंड्स कितनी जल्दी सेंड हो गया है। अब ये वीडियो है, इसे भी हम सेंड करेंगे एक क्लिक में तुरंत। उधर डॉट पर क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी फाइल आई है। आप स्पीड देख रहे हैं इसकी? देखो दोबारा करके दिखाता हूँ मैं। ट्रांसफ़र किया फ्रेंड्स, देखो स्पीड कितनी अच्छी है इसकी, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।